जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे ब्रोंकाइटिस का हम लोग इलाज कर रहे थे उनका, तो ब्रोंकाइटिस के लिए ब्लड टेस्ट तो हम लोग करवा सकते हैं, वो तो कोई सैंपल लेकर चला जाएगा। एक्सरे कराने के लिए तो एक्सरे में तो उनको मशीन के पास लेकर जाना होगा एक्सरे डिपार्टमेंट में, और उनका चूंकि पहले से वाल्व रिप्लेसमेंट हो चुका है ऑर्टिक वाल्व एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई में, तो उसका जो है कि पीरियोडिक चेकअप भी होते रहना चाहिए, तो वो काफ़ी दिनों से नहीं हुआ। कार्डियोलॉजी बिल्डिंग में ले जाने के लिए सुरक्षा कारणों से उनको अभी तक हम ले नहीं जा पाए। हमने सुपरिटेंडेंट को पहले बताया भी था, तो सर के तरफ से अभी तक कोई मुझे आदेश नहीं प्राप्त हुआ। तो ये दो चीज़ है जो कि मैंने अभी फिलहाल हम टीम के रूप में या एक डॉक्टर के रूप में उनको नहीं प्रदान कर पा रहे, जो कि एक सामान्य रोगी को मिलना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्सरे के लिए कराया जाता है तो फिर एक हफ्ते या दो हफ्ते के बाद फिर करा के देखा जाता है कि कितना सुधार हुआ है नहीं हुआ है। तो ये अभी जो है कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुधार हो रहा है, क्योंकि मरीज की स्थिति ठीक है, पहले से बुखार कम है, सांस लेने में दिक्कतें कम आ रही हैं, तो ये एक अटकल लगाया जा रहा है। लेकिन अगर ये बोलेंगे कि कन्फर्म या कन्फर्मेटरी कैसे होगा, तो वो एक्सरे पे ही होगा कि एक्सरे करा के देख लिया जाए।